के लिए मैं बताता हूँ कि इसमें किस तरह से मैंने सेटिंग की हुई है किस तरह से क्या सेटअप लगाया हुआ है तो मैं सारा आपको वीडियो बताऊंगा कौन से मैंने माइक यूज किए हैं और किस तरह से आपको सेट करना किस तरह से मॉनिटर वगैरह लगाया हुआ है सब आपको वीडियो में दिखाई दे जाएगा तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये वोकल के लिए मैंने यूज किया है आहूजा का तीन इसमें दो सिंगिंग करते हैं साथ में तो दो गाने वालों के लिए मैंने तीन और ये हमारा जो आहूजा का है ये नाइन्टी नंबर ये मैंने यूज़ किया है और ढोलक की चांटी के लिए 411 का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो आप सेटिंग अच्छे से करिए तो किसी भी माइक को लगा के कहीं भी आप सेट कर कर सकते हैं अच्छे से क्वालिटी आपको बढ़िया मिलेगी और देखिए बेस के लिए चार सौ साढ़े तीन सौ रुपये का माइक बीटा फिफ्टी एट ए मैं फिफ्टी एट ए का भी यूज करता हूँ फिफ्टी एट ए का भी करता हूँ और आप सेटिंग करेंगे तो आप किसी भी माइक पर सेट कर ले जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं होती है स्पेशल माइक ही लेना लेकिन थोड़ा मिड uh, रेंज में माइक हो तो अच्छा रहता होगा ये हमारा मेन जो माइक है पंडित जी के लिए वो भी मैंने चार सौ ग्यारह यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ तो ये मैं आपको बताऊँ एक छोटा सा कार्यक्रम है मैंने एक दो घंटे का कार्यक्रम जो यहाँ पर जो चल रहा है उसमें आपको बताता हूँ कि और मैंने सेटअप क्या क्या लगाया है वो भी मैं आपको बताता हूँ देखिए आपको दिख रहा होगा ये हमारा स्प्लेटर एक दो सौ पचास वाट का यूज़ किया है मैंने पाँच हज़ार ई का यूज़ किया है और टी ए टेन थाउजेंड का यूज़ किया है यानी दो सौ पचास वाट का पाँच सौ का व एक हज़ार वाट का तीन एम्पली ही यहाँ पर मात्र यूज हो रहे हैं और जो हमारा स्प्लिटर है इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट मोनो आउटपुट्स हैं और ये फिर राइट मोनो आउटपुट्स हैं तो यहाँ पे आप लेफ्ट राइट यानी चार एम्पलीफायर है साइड यानी वाइट जो आपको वॉल्यूम दिख रहे हैं चारों एम्पलीफार इस चैनल पर और चार एम्पलीफायर इस चैनल पर लगा सकते हैं तो यहाँ पे आप अच्छे से लगा के चलाएंगे तो आपका सिस्टम बहुत ही अच्छा वो बेस्ट यहाँ पे आपका चलने वाला है लेकिन हमें इस चीज़ का इसमें ध्यान रखना होता है कि हम इसके कनेक्शन कैसे करें तो यानी जिस पे हम स्पीकर चला रहे होते हो उसको एक साइड दे दीजिए यानी रेड रेड वाले पे उसी साइड दे दीजिए क्योंकि वो वहाँ का आपका एक सेपरेट आपका चैनल बन जाएगा और जहाँ पे आप हॉर्न चला रहे हैं तो इस साइड आप हॉर्न वाले को दे दीजिए क्योंकि जैसे ही आप मिक्सर से उसको आप पेन से कट करेंगे तो आपका जो बेस आपको कट करना पड़ेगा नहीं तो हॉर्न पर बेस जाता है ढोला का तबले का तो दिक्कत आती है तो देख लीजिए यहाँ पर जो मैंने मिक्सर यूज किया है आहूजा का चौदह बारह यूज किया गया है और यहाँ से जो दो पुट आउटपुट जो वहाँ से निकलती हैं मैंने मिक्सर में देखिए आप कहाँ कहाँ लगाएंगे तो आपका बेस्ट क्वालिटी रहेगी और कैसे हमें पीछे इसको कनेक्शन करना पड़ेगा देख लीजिए जैसे ये है तो यहाँ पर मैंने मिक्सर का एक आउटपुट दिया है स्प्लिटर को देखिए जो आपको ग्रीन यहाँ पर दिख रही है ये अकेली लगी हुई इनपुट की जगह एक ही लगी हुई है तो यहाँ पर ये स्पलेटर से आई स्पलेटर को लगी हुई है मिक्सर से और इससे दो आई हैं दो आउटपुट मैंने ली हैं तो एक मैंने सेपरेट ढाई सौ वाट वाले एम्पलीफायर को इसको दे दिया देख लीजिए ये वाला मैंने एक सेपरेट इसको दे दिया है तो एक तो आप इस तरह से इसको डायरेक्ट एम जिस पर आप हॉर्न चला रहे हैं इसको अलग से ही दे दीजिए तो आपकी ये झंझट सब खत्म हो जाएगी फटने की आवाज़ हॉर्न से हॉर्न कटने का दिक्कत ये सारी चीज़ें आपकी सब समाप्त हो जाएंगी और वैसे यदि आप चाहें कि हमको यहीं लगाना है स्प्लेटर से ही सबको देना है तो स्प्लिटर के एक साइड यानी जहाँ पे आप जिन पे बॉक्स चला रहे हैं तो एक साइड वाले आप लेफ्ट पे या राइट पे पूरे एक साइड के बॉक्स बॉक्स वाले ही एम्पली कनेक्ट करें और दूसरी साइड आप फिर जो हमारा हॉर्न वाला एम्पली है वो कनेक्ट कर रहे थे मान लीजिए हमने दोनों यहाँ लगा दिया मिक्सर का देख लिया इनपुट में दोनों इनपुट कर दिए तो ये हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो तो 250 सौ वाट का जो हम एम्पलीफायर जिस पर हॉर्न लगाए हुए हैं तो उसको इस साइड बिल्कुल अलग कर देंगे फिर इस ग्रुप में उसको नहीं रखेंगे इस चार वाला ग्रुप अलग है ये चार वाला ग्रुप उस साइड का अलग है तो उस ग्रुप यहाँ इस ग्रुप से हटा के उसको उस ग्रुप में कर देंगे ताकि हमको किसी भी प्रकार की मिक्सर से सेटिंग करने में जैसे जो ढोला के तबले का बेस हमें कट करना है तो यहाँ से आप कट करेंगे तो ये आपका इस साइड ही लगा रहेगा तो ये आपका पूरे में कट हो जाएगा यानी आपके बॉक्स में भी कट हो जाएगा तो यहाँ आपको इसको नहीं लगाना है इस साइड आप इसको उस साइड लगाएंगे तो उसमें फिर आपका जो बेस कट होगा केवल हॉर्न में कट होगा और आपका यहाँ साइड कट नहीं होगा यहाँ आपका अच्छा बेस आपको स्पीकर में सुनाई देता रहेगा तो इस तरह से इसको दो तरह से आप चला सकते हैं यदि आप चाहें तो स्पलेटर से ऐसे कनेक्शन कर लें या चाहें तो आप डायरेक्ट एक आउटपुट जो मिक्सर से आता है डायरेक्ट हम दो सौ दस को देखें और चला सकते हैं तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इसमें से मिलेगा तो आपको कोई भी कहीं भी इसमें फिर दिक्कत आने वाली नहीं है तो हम दोनों तरह से चला सकते हैं तो इस तरह से मैंने जो इसमें कनेक्शन किया हुआ मैं आपको अभी मिक्सर पे पूरे कनेक्शन बताऊंगा और मिक्सर से किस तरह का यूज किया है मैंने और मिक्सर में क्या क्या यूज किया है किस तरह से हमको क्वालिटी मिलेगी तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको वीडियो में चल के तो ये देखिए मैंने हॉर्न के लिए दो सौ पचास वाट का एम्पलीफायर पाँच हज़ार ई एम और टी जेड ए दस हज़ार यानी एक हज़ार वाट का ये डबल चैनल का एम्पलीफायर होता है इसको मैंने यूज किया है तो इस पर मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे यूज़ इसको कर रहा हूँ जो हमारा एस आर एक्स पाँच सौ है तो एस आर एक्स पाँच सौ को मैंने ये आठ सौ वाट हमारा टोटल लोड होता है तो मैंने एक ही चैनल पे दोनों को दे दिया है यानी इस पर हमने फोर ओम पे कनेक्ट करके फोर ओम पे हमने एक इसको क्योंकि ज़्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कार्यक्रम है दो तीन घंटे का तो चलता रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आठ सौ वाट लोड रही है आराम से ले जाता है दूसरी साइट जो हमने यूज किया है वो हमने जो मॉनिटर यूज किए हैं तीन तीन सौ वाट के वो मॉनिटर दूसरा टी के दूसरे चैनल पर यानी पे वो भी यूज किए हैं और ये हमारा हॉर्न का एम्पलीफायर है मैं इसको आपको बता दूं इसकी सेटिंग आपको कैसे रखनी है तो बेस आपको इस पर दो ही रखना है ट्रेवल आपको यानी फोर्टी से लेके फिफ्टी और सिक्सटी तक ट्रेवल आप रख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका हॉर्न भी नहीं कटेगा बहुत ही शानदार क्वालिटी मिलेगी मास्टर को आप फाइव सिक्स से आगे नहीं करें फोर फाइव सिक्स तक ही रखें यदि आवाज़ आपकी फट रही है क्रैक uh, बॉयस अगर आप हॉर्न में आ रही तो हॉर्न को आप बिल्कुल भी सेफली तरीके से चलाए नहीं तो हॉर्न आपका हंड्रेड परसेंट कट जाएगा तो हॉर्न की आवाज़ हम सुन के देख लेते हैं कि हमारी हॉर्न की क्लियर आवाज़ यदि आ रही है तब हमको फिर हम ज़्यादा भी खोल सकते हैं लेकिन अगर आवाज़ फट रही तो आवाज़ का समझ लीजिए कट जाएगा तो हॉर्न निश्चित ही आपका कट जाएगा ये हमारा पाँच हज़ार ई एम है इसको हमें बॉक्स चलाना चला तो बेस के लिए देख लीजिए बेस हमें उसको फोर्टी परसेंट से आगे नहीं रखना है फोर्टी परसेंट से कम भी नहीं रखना है नहीं तो फिर आपका जो बेस है वो भी अच्छा नहीं आएगा और ये मास्टर का ध्यान रखना फोर फाइव से आगे नहीं करना है और जो हमारा ट्रैवल है तो बिसल की प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो ट्रेवल फिफ्टी परसेंट से भी कम कर सकते हैं और इसमें देखिए मैंने यूज किया है एस बी सी एस टेन थाउजेंड भी जो स्टूडियो मास्टर का जो हमारा स्टेपलाइजर होता है बहुत ही अच्छा स्टेपलाइजर है वो ये हमको कितनी भी आवाज़ हमको ज़रूरत पड़ती है या कितनी भी हमको वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है तो वही आपको आसानी से प्रोवाइड कराता है और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ हमारा सिस्टम चलता रहता है यदि हमारा स्टेपलाइजर भी कहीं लूज़ होता है तब हमको साउंड क्वालिटी में दिक्कत आती है हमारी साउंड क्वालिटी डिस्टर्ब करती है बिसल भी आती है यानी हमें अपने सिस्टम को 220 से लेकर के 250 के बीच में ही ऑपरेट करना चाहिए इससे आपको बिसल वगैरह की प्रॉब्लम कम भी नहीं आती है तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखें कि वोल्टेज दो से नीचे हम अपने सिस्टम को ना चलाएं और दो से ज्यादा भी ना चलाएं इसी के बीच में हमारा चलते रहना चाहिए तो ये जो आहूजा का हमारा मिक्सर है मेरा एक पुराना मिक्सर था उसकी वीडियो डली है। इसकी सेटिंग की पूरी वीडियो हमारे चैनल पे है तो आप उस पर जाके आहूजा चौदह बारह जो मिक्सर है हमारा उसकी सेटिंग देख सकते हैं ये मिक्सर मैंने अभी नवदुर्गा के टाइम को देखते हुए मैंने नया खरीदा है क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो ये एक और लिया है क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग लाइफ मिक्सर है इसलिए इसको रफली जैसे ही चाय आप यूज कर सकते हैं और बहुत ही बेस्ट चलेगा और बहुत ही लंबे समय तक चलेगा तो इसमें आपका देखिए इको भी आता है तो इसमें आप इको भी है सब कुछ है इसमें आप अच्छा इको है ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते इसलिए हम इसमें डी थ्री का यूज़ किए हुए हैं और यदि आप छोटे साउंड वाले हैं आप दो चार पाँच सौ लोगों का कार्यक्रम करते हैं तब आपके लिए बॉस्ट बेस्ट इको है इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी उतना ज़्यादा यदि आप बहुत बड़े प्रोग्राम करते हैं तब आपको किसी दूसरी मिक्सर की जरूरत पड़ेगी नहीं तो इसी से आपका बेस्ट काम चलेगा कोई दिक्कत नहीं है इतना बुरा ईको भी इसका नहीं है लेकिन जिसने डी टी थ्री को चला लिया है वो इसके ईको को कभी पसंद नहीं कर पाता है इसलिए ये आपको मैं बता रहा हूँ देख लीजिए मैंने इसमें जो डी डी थ्री है डी डी थ्री का यूज किया है तो डी थ्री की जो हमारी सेटिंग है बिल्कुल यही सेटिंग हमने अपने सिंगिंग के लिए और ये बोलने के लिए बिल्कुल सेम यही सेटिंग रखी है इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा हूँ और यदि हमको अगर मान लो कहीं ज़रूरत पड़ती है बोलते समय तब हम थोड़ी आगे पीछे कर सकते हैं नहीं तो आप इसी सेटिंग पे छोड़ देंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है एक जो आप बगल में इसके मिक्सर देख रहे हैं ये हमारा सिल्वर कलर का जो है वह ट्वेल्व पॉइंट टू हमारा जो स्टूडियो मास्टर का है वो है मैंने लगाया हुआ है और इससे मैं एक माइक चला भी रहा हूँ तो डबल दोनों मिक्सर आपस में कनेक्ट हैं और लेकिन उसका यूज़ मैं नहीं कर रहा हूँ और जो हमारा ये जो मिक्सर है आप देख रहे हैं इसी का मैं पूरा यूज़ कर रहा हूँ और इसी से हमारा ढोलक और जो हमारे प्रवचनकर्ता है उनका भी माइक और जो हमारे संगीत वाले हैं सभी के माइक इसी से कनेक्ट हैं ओनली एक जैसे बोलने वाले जो अलग से होते हैं उनका माइक केवल मैंने वहाँ से अलग से दिया है बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सेटिंग आप लोग सभी जानते हैं सेटिंग आपकी जो चैनल पे है तो आप उसके माध्यम से मिक्सर को आप देखना हो जाए चौदह बारह की सेटिंग हमारे चैनल पर डली हुई है तो उसके उसमें ढोलक वगैरह की सारी सेटिंगें गई हो और एक चीज़ और मैं आपको इस मिक्सर के बारे में बता दूं कि जो ढोल की समस्या हमारे ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स को आती है वो अच्छे से जो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो ये मैं आपको बताता हूँ आहूजा से आप लगा देंगे तो आप बिल्कुल आसानी से संतुष्ट कर पाएंगे बजाने वालों को और आसानी से वो आपका सिस्टम चलता रहेगा और कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा मेरे ढोलक में कोई कमी क्योंकि ढोलक वगैरह का प्रेशर हमारे आहूजा में सबसे अच्छा आता है इसका चांटी का इसका बेस इसका सब कुछ आपको बढ़िया मिलेगा इससे आपको ढोलक ढोलक तबले की परेशानी कभी नहीं रहेगी तो देख लीजिए सेम बाकी सभी सेटिंग सभी मिक्सरों में लगभग एक सी होती है तो ये सिंपल मिक्सर है इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है और सभी सिंपल जो मिक्सर होते हैं सभी की सेटिंग एक सी होती है लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि बेस इसमें ज़्यादा नहीं दिया जाता है क्योंकि छोड़े से में ही बहुत बेस निकलता है और स्टूडियो मस्टे का इसकी जगह पे ज़्यादा बस देना पड़ता है लेकिन इसको आप फिफ्टी सिक्सटी परसेंट ही बीस दे देंगे तब आपका बहुत अच्छा ढोलक बीस निकालने लगा फोर्टी परसेंट पर ही बहुत अच्छा बीस निकालने लगता है यदि आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसको खोल भी सकते हैं ऐसे नहीं कि आपको इतना तो इतनी रखना है तो आप सेटिंग करेंगे तो सेटिंग से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और चैनल का जो हमारे वीडियो है उस पर आप सेटिंग वगैरह का देख लीजिए बहुत ही अच्छा मिक्सर है आप इसको खरीद भी सकते हैं ये लॉन्ग लाइफ है और ज़्यादा इसको बुरा नहीं कह सकते इको के मामले में बाकी प्रेशर इसका बहुत अच्छा है और बहुत दम से इसकी आवाज़ आएगी और सामने वाला जो सिंगिंग करने वाला बोलने वाले गाने वाले को आवाज़ बहुत ही अच्छी अपना जो बोलने की आवाज़ है वो मिलेगी जो कि थोड़ी जो स्टूडियो मास्टर का है उसमें उतना नहीं मिल पाती है लेकिन आहूजा में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है बहुत ही अच्छा प्रेशर देखने को मिलता है तो आप इसका यूज कर सकते हो इसको चला सकते हो तो देखिए क्लिप मैं आपको तो बता रहा हूँ जो रिकॉर्डिंग हमने थोड़ी मोबाइल से की थी तो ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है लेकिन थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी तो आप मोबाइल से देखिए कोई, कोई रिकॉर्डर नहीं लगा था वहाँ पर देख लीजिए इसको